खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। देश के राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 14 जून को राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 28 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 जुलाई है। वहीं चुनाव आयोग के अध्यक्ष नसीम जैदी ने बताया कि 17 जुलाई सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे, 20 जुलाई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग के द्वारा 14 जून को बुधवार के दिन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 जून वहीं जांच के लिए जो तिथि है वो 29 जून घोषित की गई है। नामांकन वापस लेने की तारीख 1 जुलाई है। वहीं 17 जुलाई को वोट पड़ेंगे और 20 जुलाई को होगी मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोट पड़ेंगे। राज्य के प्रतिनिधि अपने राज्यों और सांसद दिल्ली में वोट करेंगे। जैदी ने बताया कि कमीशन ने यह तय किया है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वालों को विशेष पैन दिया जाएगा। जमानत राशि 15,000 है जो नामांकन के साथ ही जमा करना होगा। निर्वाचकों से अपेक्षा है कि वे अपने मत को गोपनीय रखेंगे। किसी को भी खुला वोट डालने का अधिकार नहीं है और किसी को भी अपना बैलेट पेपर दिखाने से मना किया है। ऐसा करने पर वोट रद्द भी हो सकता है। जैदी ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर अपने सदस्यों के लिए कोई भी व्हिप जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर अगर भ्रष्टाचार या अपराध के आरोप मिलते हैं तो उनका चुनाव रद्द हो सकता है। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।